Good morning everyone. In this lecture we will be studying about income and expenditure account and balance sheet prepared by non-profit organization. Very first, let me tell you the meaning of income and expenditure account. Income and expenditure account is the nominal account of revenue nature which is prepared by non-profit organization in order to determine the results of activities performed by them during the year. आय एवं व्यय खाते से अभिप्राय उस नाम मात्र के खाते से है जिसको गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा वर्ष के दौरान की गई क्रियाओं के परिणाम की गणना करने के लिए तैयार किया जाता है. Now we should also learn about the characteristics of non-profit organization. आय एवं व्यय खाते की प्रकृति क्या होती है. This account is similar, very similar to the profit and loss account prepared by बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बेटे ये खाता जो होता है ये बिल्कुल वैसा ही खाता होता है जैसा लाभ और हानि खाता हम बिजनेस एंटिटीज के केस में क्रिएट करते थे आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट. सो हियर आर सम फीचर्स. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, दैट मींस वी आर टू अप्लाई द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. हमें यहाँ जो नाम मात्र के खाते का नियम होता है दैट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, वही नियम हमारा यहाँ पर लागू होगा. सेकेंड, दिस अकाउंट डज नॉट हैव एनी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस. इसमें कोई भी आरंभिक और अंतिम बैलेंस नहीं होता है. थर्ड वन इज दैट ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू नेचर? दैट मींस ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर, वो सभी आय और वो सभी व्यय जो केवल वर्तमान वर्ष से ही संबंधित है, चाहे हमें आय अर्जित हो चुकी है या वो अभी अक्रूड है, प्राप्त नहीं है, अर्जित हो गई है, तब भी उसको हमें इसके क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा. ऐसा कोई व्यय जिसका लाभ हमें प्राप्त हो गया वर्ष के दौरान लेकिन उसका भुगतान हमने अभी नहीं किया है या कर दिया तब भी वो हमारे डेबिट साइड में आएगा. अभी आउटस्टैंडिंग है तब भी वो हमारे डेबिट साइड में ही आएगा. हमें करना क्या होता है, वर्ष के दौरान अर्जित आय में से, वर्ष के दौरान आय को अर्जित किया करने के लिए किया गया व्यय उसमें से सब्सट्रैक्ट करके वर्ष के परिणाम की गणना करनी होता है. यहाँ परिणाम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इफ आर इनकम साइड एक्सीड एक्सपेंडिचर साइड, अगर वर्ष के दौरान अर्जित की गई आय हमारे वर्ष के दौरान अर्जित आय को अर्जित करने के लिए किए गए व्यय से अधिक है देन रिजल्ट वुड बी सरप्लस, अधिक के हमारा परिणाम रहेगा. बट इन केस व्हेन एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन और एक्सीड द इनकम्स अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमारा व्यय वर्ष के दौरान अर्जित की गई आय से अधिक है तो हमारा रिजल्ट होगा डेफिसिट. सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एंड विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड. जो अधिक होता है, जो सरप्लस होता है उसको भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं और डेफिसिट होता है उसको भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं. बट सरप्लस को, अधिक्य को हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं और डेफिसिट को हमें कैपिटल फंड से लेस करना होता है. इससे हमारे कैपिटल फंड की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है जबकि सरप्लस से हमारे कैपिटल फंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है वैल्यू. इसके अलावा कैपिटल फंड में हमने जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किया था तो उसमें स्टडी किया था कि हमें लाइफ मेंबरशिप फीस को, लीगेसीज को और एंट्रेंस फीस के उस पार्ट को जिसे कैपिटलाइज करना होता है उसे भी हमें कैपिटल फंड में ऐड करना होता है. हियर आई हैव मेंशन सम रेवेन्यू नेचर्स इनकम विच आर अर्न्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाओं को जनरली जो आय प्राप्त होती है वो आय हमने यहाँ मेंशन की है. दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन, जो वार्षिक शुल्क होता है उससे आय प्राप्त हुई है, चाहे कैश है चाहे वो अभी आउटस्टैंडिंग है. जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट करते हैं तैयार तो वहां जनरली वो व्यय जो हमने जिसका हमें लाभ प्राप्त हो गया लेकिन भुगतान नहीं किया है तो उस व्यय के लिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं. वो इनकम जो हमने अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई है उसको अक्रूड इनकम बोलते हैं, अर्न इनकम बोलते हैं या अर्जित आय बोलते हैं. यहाँ केवल सब्सक्रिप्शन अगर हमारी बकाया है तो उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरी इनकम हमारी बकाया है जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बकाया है तो उसे हम अक्रूड इंटरेस्ट ही कहेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं कहेंगे. जनरली हम एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड को यूज करते हैं लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर सब्सक्रिप्शन हमारी प्रेजेंट ईयर की, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, बची हुई है, अक्रूड है लेकिन मिली नहीं है,
मेंबर्स ने बेनिफिट उसको अवेल ऑफ कर लिया तब भी उस सब्सक्रिप्शन को आउटस्टैंडिंग ही बोला जाएगा। वो आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाले एडजस्टमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बाद जब न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे वहां डिस्कस करेंगे। हियर वी आर हैविंग सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का वो हिस्सा जो रेवेन्यू नेचर का है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है एंट्रेंस फीस रिगार्डिंग तो सारी की सारी एंट्रेंस फीस हमारे इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन अगर इसका कुछ पोर्शन कैपिटलाइज हो गया तो कैपिटलाइज पोर्शन हम कहां ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं। हियर वी आर हैविंग जनरल नेचर डोनेशन। वो डोनेशन जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है या जिसकी राशि बहुत ही कम है। देन सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट। अगर हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया वहां हमने रिफ्रेशमेंट को सेल्स किया जो भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस आए उनको तो उसको भी यही रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कहीं बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं किसी कंपनी के अंश खरीद रखे हैं हमारे आइडल कैश को यूटिलाइज करने के लिए उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमारे रेवेन्यू नेचर का होता है। सेल्स ऑफ स्क्रैप। जो भी हमारा न्यूज़पेपर का स्क्रैप है या किसी भी तरह का मेटलिक स्क्रैप है उसको बेचकर जो धन हमें अर्जित होता है उसको हम रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। इसलिए ये रेवेन्यू नेचर की इनकम में यहाँ कंसिडर किया जाता है। हियर वी आर हैविंग सैलरीज एंड वेजेस विच आर पेड और पेबल फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर। देखो बेटे यहाँ ये बात ध्यान रखनी है चाहे वो आय अर्जित हो चुकी है या अर्जित होगी हमने उसको अर्जित कर लिया है दैट मीन्स आदर इनकम हैज बीन रिसीव्ड और इट इज रिसीवेबल। अगर करंट ईयर की चाहे मिली ही नहीं है फिर भी उसको हम सैलरी और वेजेस में ऐड करके दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। लेकिन अगर हमने एडवांस में पे कर दी है तो वो एडवांस वाले एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं यहाँ से। रिफ्रेशमेंट परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अगर हमने किसी माननीय सदस्य को जो हमारी संस्था को मुफ्त में सर्विसेज ऑफर करता है उसको कोई मान दे दिया है तो वो भी रेवेन्यू नेचर का होता है। डेप्रिसिएशन क्योंकि ये फीचर होती है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कि यहाँ हम कैश ट्रांजेक्शन के साथ साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हम एडजस्टमेंट को भी एग्जीक्यूट करते हैं। एडजस्टमेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वाले होते हैं जैसे अक्रूड इनकम अनअक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिपेयर्ड एक्सपेंस वो सारे के सारे एडजस्टमेंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कंसर्न हेड के साथ करना पड़ेगा। हियर वी आर हैविंग स्टेशनरी पोस्टेज यूटिलिटी बिल्स एंड इफ आर इनकम साइड एक्सीड आर एक्सपेंडिचर साइड रिजल्ट वुड बी सरप्लस बट वेन आर एक्सपेंडिचर साइड एक्सीड आर इनकम साइड रिजल्ट वुड बी डेफिसिट। डेफिसिट हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस होता है बट इट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। बट इसको जब पोस्ट करेंगे तो ये हमारा डेबिट इफेक्ट ही क्रिएट करेगा जबकि जो सरप्लस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है बट इट इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड या लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन ये क्रेडिट इफेक्ट ही क्रिएट करेगा ये हमारी लायबिलिटी को या कैपिटल फंड को इंक्रीज ही करेगा। This is all about income and expenditure account. Now we are going to study about balance sheet prepared by non-profit organization. But before that, I would like to recapitulate the learning of income and expenditure account. What do you mean by income and expenditure account? It is a nominal account which is prepared by non-profit making organizations in order to balance income earned during the year against the expenditure incurred for earning that income. That means determine the result of activities performed during current accounting year. It does not have any opening or closing balance. In this we record cash as well as non-cash transaction. All the adjustment are executed through it. Jo bhi adjustment hamari rahegi accrued and accrued prepared outstanding ki wo sare ki sare hum isi account ke through execute karenge. The result will be determined comparing income against expenditure incurred to earn the concerned income. So now we are ready to study our balance sheet which is prepared by non-trading organizations or non-profit organization or non-profit entity. Hello everyone, now we are going to study about the balance sheet prepared by non-profit organizations. यहाँ बेटे हम बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलमोस्ट हमारा सेम फॉर्मेट ही होता है जैसा कि बिजनेस एंटिटीज के द्वारा तैयार की जाती है। हियर वी कैन डिफाइन बैलेंस शीट एज बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाई ऑल एंटिटीज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और द कैलेंडर ईयर वट एवर दे हैव चूज एज देयर अकाउंटिंग ईयर इन ऑर्डर टू असर्टेन देयर फाइनेंशियल पोजिशन ऑन दैट डे। स्थिति विवरण से अभिप्राय उस गणना सूत्र से है जिसका प्रयोग सभी संस्थाओं के द्वारा एक विशेष दिवस में अपनी वित्तीय स्थिति की गणना करने के लिए उसका अनुमान लगाने के लिए
किया जाता है. हियर आई हैव मेंशन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट. कुछ विशेषताएं हैं बेटे. फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट ए अकाउंट. ये अकाउंट नहीं है, ये हमारी स्टेटमेंट है. द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंट और ए स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए स्पेसिफिक डेट. वो एक डेट में ही तैयार की जाती है, जबकि अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एन अकाउंटिंग ईयर और फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. अकाउंट हमारा या तो फाइनल अकाउंट्स होते हैं या हमारे जो पीरियडिक अकाउंट्स होते हैं, जो भी हमारे रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो पीरियडिकली हमें कंक्लूड करने पड़ते हैं, जिनको हमें टोटल और बैलेंस करना पड़ता है, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वीक के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए हमारे को ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को कंक्लूड करने में हेल्प करते हैं. जस्ट लाइक बिजनेस एंटिटीज इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू पार्ट. जो हमारा टी फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज एसेट्स साइड. इन केस ऑफ बैलेंस शीट वी रिपोर्ट पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स ओनली. बिजनेस एंटिटीज के बैलेंस शीट में भी यही होता है और नॉन बिजनेस एंटिटीज के बैलेंस शीट में भी यही होता है. यहां केवल हम रियल अकाउंट दैट मीन्स अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड अकाउंट्स ऑफ लायबिलिटीज. पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को ही यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है. नॉमिनल अकाउंट को हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद. नाउ वी आर हैविंग अनदर फीचर दैट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट द बैलेंस शीट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग कैपिटल फंड अकाउंट. बिकॉज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ नॉन बिजनेस एंटिटीज इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट टू इट्स मेंबर. जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, वो अपने सदस्यों को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं पहुंचाते और जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है सदस्यों के द्वारा, वो उसको वापस रिक्लेम नहीं कर सकते. इसीलिए अब ये जो कैपिटल फंड है ये संस्था से बिलोंग करता है. देर आर सम आइटम्स विच आर टू बी एडेड इन टू कैपिटल फंड एंड सो देर आर सम आइटम्स विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. बेटे जनरली हम लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल नेचर की होती है, कैपिटल फंड में एड कर लेते हैं. जो हमारे लीगेसीज होते हैं, जो हमारा वसीयत दान होता है, उसको भी हम अपने कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं. हमारे कैपिटल फंड इंक्रीज हो जाते हैं और द पार्ट ऑफ एंट्रेंस फीस विच इज टू बी कैपिटलाइज. एंट्रेंस फीस का केवल वो हिस्सा जिसको हमें कैपिटलाइज करना है, उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं. देयर आफ्टर द सरप्लस दैट मींस रिजल्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर वेदर इट इज डिफिस्ट और सरप्लस. सरप्लस है तो हमारा ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड के अंदर. अगर वहीं पे डिफिस्ट है तो उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. देयर आफ्टर वी आर हैविंग डोनेशंस ऑफ पर्सनल नेचर. विशेष दान को हमें यहाँ एज अ सेपरेट हेड शो करना पड़ता है बैलेंस शीट में. और हम एंडोमेंट फंड को भी यही शो करते हैं. एंडोमेंट फंड का मतलब आपको पता है संकल्प दान, वो दान जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है. यहाँ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक डोनेशन एंड एंडोमेंट फंड क्या होता है बेटे. एंडोमेंट फंड से जो हमारी इनकम जनरेट होती है या जो उस पर्पज के लिए हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, उसे हमें बैलेंस शीट में ही एंडोमेंट फंड के अगेंस्ट एडजस्ट करके दिखाना होता है. जबकि अदर इनकम्स और एक्सपेंस होते हैं जो हमारे रेवेन्यू नेचर के, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट करते हैं. यहाँ सपोज हमारे पास कोई टूर्नामेंट फंड है एंडोमेंट फंड के नाम से, तो उस टूर्नामेंट के जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो टूर्नामेंट फंड से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और उस टूर्नामेंट से जो भी हमें इनकम रिसीव होगा वो टूर्नामेंट फंड के अंदर एड हो जाएगा. देयर आफ्टर वी आर हैविंग सम पर्सनल अकाउंट्स. बेटे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस हूज बेनिफिट हैज बीन अवेल्ड ऑफ बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट हैज नॉट बीन पेड येट. वो सारे के सारे व्यय जिसका भुगतान नहीं किया है बट उसका लाभ संस्था ने उठा लिया है, तो वो हमारा दायित्व होता है. करंट नेचर की लायबिलिटी होती है तो उसको यहाँ शो करेंगे. एडवांस इनकम, इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड येट. वो आय जो हमने अर्जित नहीं की है लेकिन वो हमें प्राप्त हो गई है. नेक्स्ट ईयर वी नीड टू प्रोवाइड बेनिफिट फॉर दैट टू द कंसर्न पर्सन और कंसर्न मेंबर. उस मेंबर को उस एडवांस पेमेंट के लिए हमें बेनिफिट देना पड़ेगा अगले साल. तो तब तक जब तक हम बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर देते वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी बनी रहेगी. हियर वी आर हैविंग बैंकक्रप्ट. इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एनकाउंटर्ड विद द कैश स्कार्सिटी, उसके पास ऑप्शन होता है, वो लोन ले सकते हैं, वो कैश क्रेडिट ले सकते हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं. दैट मींस द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिज्यूम मोर अमाउंट देन इट हैड डिपॉजिटेड इन इट्स अकाउंट. उस ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं जितना बैलेंस उनके अकाउंट में था. तो शॉर्ट पीरियड के लिए जैसे क्रेडिट कार्ड की सेवाएं हम अवेल ऑफ करते हैं, वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट की सेवाएं या तो व्यापारियों को मिलती हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलती हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम यहां शो करेंगे. देयर आफ्टर वी आर हैविंग द एसेट साइड्स. दीज आर आवर फिक्स्ड एसेट्स. देन वी आर हैविंग करंट एसेट्स. देयर आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आर देयर.
बेटे बिल्डिंग है, अगर हमें यहाँ पर कोई फिक्स एसेट्स दी गई है और उस फिक्स एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, डेप्रिसिएशन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में या एक्सपेंडिचर साइड में, लेकिन उस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू होता है, बुक वैल्यू होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ हमें एडजस्टमेंट में लाइक बिल्डिंग माइनस डिलैपिडेशन, फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन, प्लेग्राउंड माइनस डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, वैसे जनरली लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता नहीं है हमारा, चेंजिंग मार्केट वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी हमारे डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उससे डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वहीं पे। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर किया है तो वहां पे वो हमारी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देगी, या किसी ऐसे एसेट को एक्वायर किया है जो पहले से बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता था तो वहां एक नया एसेट ऐड क्रिएट हो जाएगा। जबकि जब हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो उस अमाउंट से जिस वैल्यू की एसेट्स को हमने सेल किया है वो यहां से सब्सट्रैक्ट हो जाती है, जबकि उसके प्रॉफिट और लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड में, अगर लॉस हुआ है तो एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में उसको एडजस्ट हमें करना पड़ता है। वी आर हैविंग हियर स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स आर दोज आइटम्स विच आर कंज्यूम्ड पार्शियली बाय द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अकाउंट। बेटे कंज्यूमेबल्स वो आइटम्स होते हैं जिसका हम उपभोग भी कर लेते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रेसिड्यूज में से बच जाता है, जैसे स्टेशनरी होता है, हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे कंज्यूमेबल्स कहलाते हैं। हमने ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक को परचेज भी किया है, ओपनिंग स्टॉक भी था और एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, हमें केवल कंजम्पशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करना पड़ता है, जबकि जो हमारा बैलेंस बचता है वो सारा का सारा यहां शो किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर। ये भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। हियर वी आर हैविंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स the members have availed of themselves the services offered by business organizations but their subscription or annual fees has not been received yet. उनका जो वार्षिक शुल्क होता है वो उन्होंने भुगतान नहीं किया है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 20,000 members in our organization and everyone is liable to pay 1,000 rupees subscription every year. बेटी हमारे पास 200 सदस्य हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर, वहां हर एक सदस्य को 1,000 रुपीज की पेमेंट करनी होती है। अकॉर्डिंग टू दिस वी हैड टू रिसीव, यू आर सपोज टू रिसीव 2,00,000 रुपीज, 2,00,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी थी हमें, बट गेट वी हैव रिसीव जस्ट 1,03,000 सब्सक्रिप्शन। सो 20,000 इज टू बी रिसीव इन नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष 20,000 रुपए की हमें सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है, वो हमारी करंट एसेट्स होती है। प्रिपेयर एक्सपेंसेस इफ वी हैव पेड एनी ऑफ द एक्सपेंस इन एडवांस, अगर हम किसी व्यय का भुगतान एडवांस में कर देते हैं उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा। एक्सपेंडिचर विच आर पेड बट बेनिफिट हैज नॉट बीन अवेल्ड ऑफ येट, सो उस एक्सपेंडिचर को भी हम यहाँ करंट एसेट्स के तौर पर शो करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो हमारा बाय बैलेंस सीडी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ कैश। दिस इज आर बैलेंस ऑफ बैंक। सो बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर लेट मी recalculate all the concept. Balance sheet means the financial statement which is prepared by all business entity or non-business entities at the end of year in order to determine financial position. कल्पट से अभिप्राय उस गणना सूत्र से है जिसका प्रयोग सभी संस्थाओं के द्वारा अपने वित्तीय स्थिति का अनुमान एक स्पेसिफिक दिवस में कर लगाने के लिए किया जाता है। इसमें हमारे दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज एसेट साइड। इंस्टेड ऑफ कैपिटल which is shown on the liability side of business entities, here we are having capital fund which is adjusted against the items of capital nature. यहाँ पे हमारे पास capital fund account होता है, capital account नहीं होता है, जिसको हमें different adjustment के साथ adjust करना होता है। In this we are having only nominal and real accounts, sorry personal and real accounts हमारे पास यहाँ पे nominal account हम already income and expenditure account में show कर चुके होते हैं। उसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो हमेशा बैलेंस शीट शो करती है, लेकिन जो हमारी मैनेजरियल एफिशिएंसी होती है, एबिलिटी टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट्स और अर्निंग एबिलिटी, वो हमारा सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करता है इन केस ऑफ नॉन बिजनेस एंटिटी। आई एम श्योर दैट यू हैव एंजॉयड जर्नी विद मी। वेरी सून वी आर कमिंग विद आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज अबाउट एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट एंटिटीज एंड फाइनली वी शैल टेक टू द practical questions of your curriculum, be it of the CBSE, be it of the SBSE or any other curriculum. So till then, goodbye, enjoy your studies, have a good time.